आज हम क्रिएट करने वाले हैं 2D स्मोक इफेक्ट विथ स्ट्रोक इन आफ्टर इफेक्ट्स, प्लस उसके साथ आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ इनबिल्ट इफेक्ट्स को भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा पेन टूल ले रहा हूँ और एक स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ विद द पाथ। तो मेरे को यहाँ पे पेन टूल से मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया है, अब कुछ इस हिसाब से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से गया हूँ। Then let me go something like this and I am doing something like this one also and let's take it a little bit down and मैं कुछ इस हिसाब से इस मूव को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आप अपने हिसाब से वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, that's up to you। अब ये लेयर मेरा सिलेक्टेड है, मैं इसका स्ट्रोक वेट को 60 के आसपास अप्लाई कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे लेयर को हम नाम दे देते हैं स्मोक का, तो ये ओके कर देते हैं। चलते हैं लेयर के अंदर, यहाँ पे जाएंगे और शेप के अंदर जाके सबसे पहले हम स्ट्रोक की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, उसमें टेपर वाले ऑप्शन में जाएंगे जिसके अंदर स्टार्टिंग विड्थ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 30 के आसपास। ओके, सो यू कैन सी दैट इट्स गोइंग समथिंग, बट ये क्या हो गया, एकदम से शार्प हो गया यहाँ पे। तो थोड़ा इसको क्या करना है, राउंडनेस मुझे यहाँ पे एंड अप देना है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट ईज रहता है, हमने स्टार्ट लेन चेंज किया टेपर के अंदर, अब हम चेंज करेंगे स्टार्ट ईज, तो मैं उसको ऑलमोस्ट 20 के आसपास अप्लाई करता हूँ। तो अब देखो एक अच्छा खासा वैल्यू जनरेट हो रहा है, बट ये थोड़ा अभी भी कम पड़ रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट 30 जा रहा हूँ। यस, सो दैट्स लुक बेटर। तो एक कुछ अच्छा खासा यहाँ पे इफेक्ट जनरेट हो गया है। अब टेपर को यहाँ पे चेंज करने के बाद हम चलते हैं वेव के अंदर। यहाँ वेव अमाउंट आपको चेंज करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जितना आपको चाहिए, तो मैंने कुछ इस हिसाब से चेंज किया है। उसके बाद मैं वेव लेंथ को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है कि जितना आपका रिक्वायरमेंट, इसी विच काइंड ऑफ स्ट्रोक विड्थ एंड आपका पाथ क्या है, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगी, ध्यान में रखना है। अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यूअसली इसका एक वेविनेस मोशन में दिखा रहा है। अभी मैं जैसे आपको प्ले कर रहा हूँ, तो देखो कुछ भी यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपको वेव के अंदर ऑप्शन मिलता है फेस का, उसको आपको एनिमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ, टाइम एक्सप्रेशन। सो गाइज, कुछ एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल्स का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, बट हमें उसका डिटेल मालूम नहीं होता है। तो दैट इज विगल एक्सप्रेशन, टाइम आउट एक्सप्रेशन, टाइम्स एक्सप्रेशन एंड लूप आउट एक्सप्रेशन। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके जरूर देखेगा इस ट्यूटोरियल के बाद। तो अभी तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट करके फेस की स्टॉपवॉच के ऊपर आपको क्लिक करना है, जो फेस प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ टाइम इनटू -60। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर आप देखोगे तो देखो वेविनेस मेरे कंटिन्यूअसली मोशन में ये चीज आ रही, तो जो चाहिए था मुझे यहां तक का ऑप्शन मिल चुका है। अब इसको भी हम यहां से मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैं क्या करूं, थोड़ा और डिटेल्स के अंदर ऐड करने के लिए स्मोक के अंदर वापस ऐड में जाएंगे इसी लेयर के, और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा विगल पाथ। अब विगल पाथ को यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, और इसके अंदर जो विगल पाथ का साइज है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 20 के आसपास। ओके, इट्स लुक गुड 20, थोड़ा मुझे कम लग रहा है, आई थिंक लेट्स गो विद द 30। ओके, दैट विल बी द बेटर। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ऑलमोस्ट 3 के आसपास अप्लाई करता हूँ। ओके, दैट्स लुक लिटल बिट वियर्ड नो डाउट, बट यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉर्नर को हम थोड़ा स्मूथ कर देंगे, नाउ इट्स गेटिंग बेटर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो विगल का स्पीड है मैं उसको जीरो कर दूंगा, क्योंकि पाथ को हमें विगल नहीं कराना है, जस्ट उसके जो वेव का साइज वगैरह था डिटेलिंग के अंदर हमें चेंजेस लेके आना था। तो ये क्या करेगा, थोड़ा और टेक्सचर इसने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप ऑन ऑफ करके देखोगे यहाँ पे विगल की इफेक्ट को, तो देखो कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो दैट एग्जैक्टली वी नीड, तो ये भी हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब क्या करना है, इसी के ऊपर थोड़ा और डिटेलिंग हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे लेयर को सिलेक्टेड रखेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे डिस्टॉर्ट के अंदर, और यहाँ पे डिस्टॉर्ट में मैं अप्लाई करने वाला हूँ वेव रैप। वेव रैप अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, तो वेव हाइट में एज इट इज रख रहा हूँ, जो विड्थ है मैं इसका अप्लाई कर रहा हूँ 100 के आसपास यहाँ पे। सो इट्स लुक गुड इनफ, आप चाहो तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो गाइस, दैट्स अप टू यू, क्या बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, दैट्स एक्चुअली एवरीथिंग अप टू यू। तो मैं आई थिंक लेट्स गो विद द 90, यस दिस विल लुक गुड, 90 इज लुकिंग गुड। और वेव स्पीड को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 0.5 के आसपास, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे पिनिंग करना है इसको, तो मैं एक्चुअली इसको पिनिंग करना हूँ बॉटम एज के ऊपर, ठीक है। आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो गाइस, और इसको डिटेल में अगर आपको समझना है गाइस, सो मैंने स्मोक के ऊपर भी, 2D स्मोक के ऊपर एक और ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसमें हमने शेप के थ्रू
ये 2D स्मोक क्रिएट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यहां तक कुछ ये ऐसा जनरेट हो चुका है, अच्छे खासे तरीके से हमारा वेवीनेस यहाँ पे होता हुआ जा रहा है। आप चाहो वो वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप सेंटर रखना चाहो तो यू कैन अप्लाई विद द सेंटर ऑल्सो, ठीक है। बट मैं अभी जा रहा हूँ बॉटम एज के साथ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करना है। लेट्स मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद दो बार ई प्रेस कीजिए, तो जो एक्सप्रेशन हमने डाला था इसके अंदर वेव फेस के लिए वो ओपन हो जाएगा टेपर के अंदर। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू है मैं अप्लाई कर देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ 40 के आसपास। तो ये मैंने यहाँ पे 40 कर दिया है, -60 था पहले वाला में, यहाँ पे मैंने 40 किया। वापस इसके अंदर जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया था वेव रेक वाला, यहाँ पे भी मैं चेंज करूंगा, साइन की जगह पे वेव टाइप को हम चूज करेंगे सर्कल। दूसरा चीज, यहाँ पे जो वेव स्पीड था उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 0.7 के आसपास। ओके, तो ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब उसके बाद थोड़ा चेंजेस क्या करना है कि भाई ये तो कॉमन हो गया ना, पाथ को थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे इसके पाथ को हम हल्का सा की दे देंगे, प्लस मैं इसका शेड लेवल चेंज कर देता हूँ ऑरेंज के अंदर, ताकि विजिबिलिटी में आए। यहाँ पे आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है। अब पाथ को सिलेक्ट कर लो, देखो आपको समझ में आएगा कैसे जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे इस वाले पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा मैं मूव करता हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मूव कर देना है। और उसके बाद मैं क्या करूँ, कंट्रोल करके इसके टेंजेंट को कुछ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और थोड़ा ड्रैग करूंगा इस हिसाब से। ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा मुझे ड्रैग करना है यहाँ पे। तो इसको भी हल्का सा मैं अंदर की तरफ ले लूंगा कुछ इस हिसाब से। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे, और इस वाले टेंजेंट को मैं क्या करूंगा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। और ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट है उसको थोड़ा मैं यहाँ बाहर की तरफ धकेल दूंगा, और इस टेंजेंट को ब्रेक करते थोड़ा नीचे की तरफ लेके आते हैं गाइस। और आई थिंक लेट्स सेट समथिंग लाइक दिस वन, और इसको थोड़ा और अंदर की तरफ या बाहर, ओके यहाँ पे ले लेना सही रहेगा, दैट्स लुकिंग गुड। ओके, नाउ इट्स इनफ एंड लेट मी चेंज समथिंग लाइक ओवर हियर। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे पाथ के अंदर चेंजेस कर दिए। तो अब अगर आप देखोगे दो अलग अलग स्मोक के मेरे मूवमेंट हो गए, प्लस हमने वेरिएशंस भी लाया यहाँ पे डिफरेंस लाके, और प्लस एक्सप्रेशन में डिफरेंस लाके। बट अभी मुझे क्या, दोनों के दोनों अलग दिख रहे हैं, आपको विजिबिलिटी अलग आ रही है। मुझे ऐसा दिखा रहा है जब दोनों एक दूसरे के साथ जहां जहां भी ओवरलैपिंग हो रहा है ना, वहां पे एक जैसे जुड़ते हुए अलग हो रहे हैं, वैसा इफेक्ट जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों स्मोक लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे एक प्रीकॉम्प जनरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम देता था स्मोक कॉम्प, बड़ा स्मोक कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों स्मोक को हमने ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाऊंगा, ब्लर में जाऊंगा गाइस, और मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ गॉशियन ब्लर। यहाँ पे वैल्यू में अप्लाई कर देता हूँ 20 की। तो जैसे ही आपने डाला, देखो ये पूरा ब्लर हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, वापस हम कलर करेक्शन में जाएंगे, और यहां से मैं चूज के सॉरी ओके गलती से आ गया, डिलीट करते हैं इसको। इफेक्ट में चलते हैं, कलर करेक्शन में जाएंगे, और मेरे को यहाँ पे चूज करना है लेवल्स। और लेवल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे जो चैनल है वो चूज करना है, अल्फा चैनल। और उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यूज के साथ प्ले करना है, एक तो इनपुट व्हाइट और इनपुट ब्लैक की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ, देखो ये थोड़ा यहाँ पे देखो 100 था, यहाँ पे वापस क्या कर रहा है, एक तो ये अपना एक्चुअल कलर शेड वापस लेके आ रहा है, तो मेरे को ये चाहिए चाहिए। दूसरी चीज, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इनपुट ब्लैक लेके आ रहा है, ताकि देखो एक स्मोक को प्रॉपर तरीके से जनरेट करते हुए जा रहा है। ओके, दैट्स इनफ एंड लुकिंग नाइस। ओके, यस, दैट्स लुक बेटर। तो ये एक यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इतना तो मेरा क्लियरली ये रेडी हो चुका है। अब एक कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा तो पहले इसका ओपेसिटी भी हम डाउन कर लेते हैं ऑलमोस्ट कुछ इतना। हाँ, दैट्स लुक गुड इनफ। अब चाहो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वाटर वाला जो मेरे दो लेयर्स है उसके पीछे मैंने डाल दिया, ताकि ये प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी में रहे। तो ये भी यहाँ से सेट हो चुका है। अब करना क्या है भाई मुझे, कि भाई इसका थोड़ा मुझे नॉइजी टेक्सचर वगैरह ऐड करना है, थोड़ा मोशन में चेंजेस लेके आना है। तो यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट किया है, उसके ऊपर मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ, और हम जाएंगे नॉइज के अंदर, और मैं यहाँ पे नॉइज अप्लाई करने वाला हूँ, और इसका वैल्यू मैं अप्लाई करता हूँ 10, और यहां से मैं हटा दूंगा जो कलर नॉइज है उसको अनचेक कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो टोटल आपके इमेज के ऊपर अच्छा खासा नॉइज आ जाएगा। प्लस कंट्रोल एंड ऑल्ट एंड वाई एक नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं, इफेक्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे टाइम में जाएंगे, और मैं अप्लाई करने वाला हूं पोस्टराइज टाइम, और यहां पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूं 8 की गाइस। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 2D स्मोक इफेक्ट रेडी हो चुका है। ओके, छोटा सा चेंज करते हैं गाइस, हम लोग क्या करेंगे, वापस हमारा जो ये स्मोक का कॉम्प था उसमें चलते हैं। जो स्मोक 2 है ना, उसका मैं स्ट्रोक विड्थ यहां पे चेंज करके 30 कर देता हूं, एंड वापस चले आते हैं स्मोक 1 के अंदर। सो नाउ इट विल गिव यू द बेटर इफेक्ट, यू कैन सी दैट कि आपको दो अलग-अलग
प्रॉपरली वेव मिलेंगे। वो जो पहले था वो दोनों सेम टू सेम दिख रहा था तो उतना मजा नहीं आ रहा था, बट नाउ यू कैन सी दैट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो अमेजिंग तरीके से आप काम कर सकते हो। दूसरा जो आप देख रहे होंगे कि मेरे कैरेक्टर के अंदर भी यहाँ पे मोशन है, तो उसको अगर आपको क्रिएट करना है बराबर, तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल का लिंक दे रहा हूँ नीचे आपको, 2D टू 3D मोशन ग्राफिक्स। ऑलमोस्ट हमारा उसके ऊपर 16,000 व्यूज है, आप आराम से जाकर देखो, आपके लिए बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल रहेगा जिसमें आप कैरेक्टर को इजी मोशन कैसे अप्लाई कर सकते हो विद पपेट पिन टूल, वो आपको जानने को मिल जाएगा। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आइडियाज पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर करना, ताकि जितना शेयर करोगे उतना आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, प्लस आपके दोस्तों को भी नई चीजें सीखने को मिलेगी। और कमेंट में जरूर मेंशन करना अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, कोई आपकी क्वेरीज हो, मैं पक्का उसका जवाब देना चाहूंगा, मुझे खुशी होगी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस नए ट्यूटोरियल में। गुड बाय।